अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। अब हम हमारे घर से एक सुरंग बनाऊंगा, मतलब टनल, जो जाएगा सीधे बाबूलाल ज्वेलर्स की दुकान पे। मेरी चक्कुड़ी और बाबा की पहली मुलाकात की एनिवर्सरी है ना, तो हम दोनों जाते हैं दोनों बच्चों को लेकर जगराते में, है ना? अब मैं बनाता हूँ सुरंग। चलो चलते हैं हेमंत, सीढ़ी लेकर जल्दी। वर्षा ड्रेनेज है, ड्रेनेज के साथ हमारी सुरंग गई है, तो जरा संभाल कर। हेमंत जल्दी आओ। हाँ हाँ पापा, ये तो अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल लग रहा है, थोड़ी देर स्विमिंग करते हैं ना। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या स्विमिंग करते, इतने से पानी में कैसे स्विमिंग करेगा तू, चुप बैठ गेंडे। कहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए या सामने जाए? यहाँ चले। पापा इस तरफ चलते हैं, भैरवी दीदी का घर इसी तरफ होगा। बेटा हम यहाँ भैरवी के घर जाने नहीं आए हैं। वर्षा थोड़ी रोशनी दिख रही है, शायद बाबूलाल ज्वेलर्स की दुकान वही होगी। चलो चलो चलो। ऊपर जाना और पहले धीरे से झांकना, अगर गहने दिखे तो बाबूलाल ज्वेलर्स की दुकान वही है। हाँ तब शिशिर के सुपर पावर से देख लीजिए ना। हाँ क्या हुआ? पता नहीं, शायद हम अंडरग्राउंड है ना, इसलिए वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। जाओ जाओ जाओ, तुम ऊपर जाकर देखो, गहने मैंने दिखे तो मुझे बुलाना, ऊपर जाओ। और दुकान वाला दिखे तो तुरंत नीचे उतर जाना। हाँ जा। ये हार देख रोनी, असली जयपुरी है, कुंदन का सेट। कौन कुंदन? वो 12 नंबर वाला हलकट? ओ झालर, ये जो पत्थर होते हैं ना, इसे कुंदन कहते हैं। ओ कहाँ गया ये? हेमंत। पापा। हाँ हेमंत, गहने दिख रहे? हाँ गहने हैं वहाँ पे। शाबाश। दुकान वाला तो कोई नहीं है ना अंदर? कोई दुकान वाला नहीं है मम्मी, आइए आइए। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। वर्षा तुम यही रुको। आंटी लाजो, ये तो बहुत बाबा देव वो है। वो बाब, ये वो बाब। काट को राम। अरे एक मिनट मैन, वो बाब काला काला कड़वा दवाई को क्या बोलता है? काढ़ा। हाँ ये काढ़ा बहुत महंगा होगा ना मैन। कड़ा कड़ा होता है झालर, कड़ा कड़ा का काढ़ा किया तूने, समझा? ये रोनी के घर में आ गए हम। और ये देख, ये पोटली देख, इसमें हीरे के झुमके हैं, लीजा के लिए भी बनवा लेना, बने तो नहीं तो लाओ दिखाओ मन। ये नहीं खुल रहा है मन। ला मारे को दे, मारे जैसे वीर बलवान। चुप रे, खुल।
वीर बलवान छुरी से काटिए से मारे मजबूत ओझा जी। हाँ हाँ देखा मारी लुगाई ला छुरी ला लाओ मारी। बाबूलाल की दुकान है। पापा आपने मुझसे पूछा गहने दिख रहे हैं, गहने तो है ना। चलो चलो वापस चलो। ले क्या हुआ, क्या आवाज सुना तुम लोगों ने? मेरे को लगा यहाँ हेमंत आया था मैन। अरे कान बज रहे हैं झालर, यहाँ हेमंत कहाँ से आया? अरे मैंने एकदम क्लियर सुना। तू ये देख। ओ, ओ, अरे क्या कर रहे हो आप लोग वहाँ पे? ये तू गिर जाएगा वसंत। रोनी भैया के घर से उस सुरंग से अगर यहाँ पे हमारे घर में कोई आया तो क्या जवाब देंगे हम? देखिए कि हम शक्कर मांगने गए थे, ऐसे सुरंग में से है कटोरी लेके ऐसे ऐसे गए, शक्कर दीजिए, ऐसे वापस आ गए ऊपर। अरे क्या ही क्या कर रहा है वो, तो आते आते मैंने सुरंग सील कर दिया है, बस ये बचा है। और रोनी के घर में जो फर्श टूटी है उसके बारे में उन्हें ताजुब होगा, लेकिन खैर वो संभाल लेंगे। अब क्या करेंगे हम बस? मेरे पास एक रास्ता है। आहा, आज तो मेरी भैरू मेरा गिफ्ट देख के एकदम खुश हो जाएगी। कहा बा? हाँ बाबा। वाह 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 अद्रेश, आज तो ऐसा लग रहा है कि तेरी दूसरी सुहागरात है। भैरू भैरू मेरी भैरू की जगह भैरो, ये बड़ा तू यहाँ क्या कर रहा है? वो भैरवी भाभी ने मुझे भेजा है। क्यों? फुट, फुट, और फुट। मेरी भैरू का है? आज हमारे पहले प्यार, पहली मुलाकात की सालगिरह है। वो तेरी भैरवी, तेरे जैसे आरसू के पीर को अपने पति के रूप में पाके भी भगवान को थैंक यू बोलने गई है। वो जगराते में गई है बोरीवली, कल सुबह आएगी। क्या? लेकिन बात तूने जाने क्यों दिया? ए भरत, लेकिन तुझे क्यों भेजा है मेरी भैरू ने? आपको कंपनी देने के लिए भद्रेश भैया, उन्होंने कहा कि मैं उनकी लंबी उम्र के लिए अरज करूं, तब तक तू जाके मेरे मितेश प्रीतेश के पप्पा को एंटरटेन करना। एंटरटेनमेंट। हेलो पत्ते खेलते सब लोग, चलो मोटी बहन, चलो चलो चलो। हाल हाल पत्ते लेके ही आए हैं। चलो चलो चार पत्ती खेलेंगे। अरे तीन पत्ती होता है भाई, तीन पत्ती। लॉजिकली वो तो तीन लोग खेलते हैं तब ना। तो जब 20 लोग मिलके ये गेम खेलेंगे तो गेम का नाम क्या होगा? 20 पत्ती। एक मिनट तुम लोग लड़ना बंद करो, मैं रोनी और मुरली भाई को भी बुला लेती हूँ। हाँ, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और श्रद्धा कपूर भी आते ही होंगे।
हाँ? तूने शाहरुख खान और ऋतिक रोशन को नहीं बुलाया? नहीं मोटी बहन, शाहरुख खान के घर पे उसकी बाई नहीं आई ना आज, तो उसने बोला मुझे इला बहन मैं तो नहीं निकल पाऊंगा। और ऋतिक रोशन? अरे वो तो शाहरुख के लिए बाई ढूंढने गया है ना। इलाड़ी अगर वो दोनों ये सुनेंगे ना तो तुझे उठा के जेल में डाल देंगे, डफोड़ कहीं की हाला में पत्ते बांट। और बाबा तेरी पहली मुलाकात की एनिवर्सरी हम सब मिलके मनाएंगे। का बाबा? हाँ बा। आज क्या? आज की रात तो निकल जाएगी, अब कल की कल देखेंगे। हाँ हेमंत तैयार रहो। बाबूलाल ज्वेलर्स से मृदुला भाभी के सारे गहने लाने के लिए हम इंसानों का बनाया हुआ सबसे बलवान शस्त्र इस्तेमाल करेंगे और वो शस्त्र है सत्याग्रह। हाँ बस सर, इस शस्त्र के जरिए महान लीडर गांधी बापू ने आजादी हासिल की थी और हमें तो सिर्फ 400-500 गहने ही हासिल करने बाबूलाल जी से। लेकिन मम्मी सत्याग्रह में हम करेंगे क्या? धरना करेंगे, नारे लगाएंगे, जैसे मृदुला भाभी के गहने कर दो हवाले हमारे, मृदुला भाभी के गहने कर दो हवाले हमारे, मृदुला भाभी के गहने कर दो हवाले हमारे, पेंचनिया पायल बाजे मेरी चम्मा 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 रे, चम्मा 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 रे। क्या चल रहा है ना? क्या वो हमारे के साथ कुछ मैच नहीं हो रहा था तो मैंने चम्मा चम्मा रे ज्वाइन कर दिया। चम्मा चम्मा रे नारे लगाने हैं, आइटम सॉन्ग नहीं करना है दुकान के सामने। हाँ मम्मी बोलो। हम वहाँ अच्छे से मोहन थाल करेंगे। इसको बोलो कोई, अरे मोहन थाल क्या होता है गेंडे, हड़ताल हड़ताल करेंगे हड़ताल। मोहन गहनों के दुकान में जा रहे हैं, मिठाई की दुकान में नहीं जा रहे हैं, मोहन थाल करेंगे। मोहन थाल बेटा एक गुजराती मिठाई होती है। हाँ वो 11 नंबर वाले हमारे वो सुरेश भाई ना वो बोलते ना जय श्री मोहन थाल हरे जो चौफड़ी मछिया हरा लागे। प्रोफेसर वसंत घोटाला वो इसको भी समझाना पड़ता है ना। आप तो मतलब छम्मा छम्मा रे से तो अच्छा ही था ये। तो सुनो पहले प्यार और अगर नहीं माने तो फिर अहिंसा के जरिए तकरार। लेकिन मृदुला भाभी के गहने हम आज वापस ला कर ही रहेंगे। और ये मृदुला भाभी भी कौन है ये भी जानकर रहेंगे। मैं तेरा खून पी जाऊंगी, लाश अपने घर से मैं लाऊंगी, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। ए भैरवी ये क्या कर रही है तू? मृदुला भाभी आपने जो काम दिया था वही कर रही हूँ। अरे मैंने तुझसे कहा था कि पलंग पे जो मेरी साड़ियाँ है उस पे इस्त्री घुमाना। हाँ तो वही तो कर रही हूँ, आपको दिखाई नहीं देता है। अरे मेरे कहने का मतलब था कि पलंग पे जो साड़ियाँ पड़ी है ना उस पे गरम इस्त्री घुमा के सिलवटे मिटाना। मैं आप पे केस कर दूँ? अदालत आपको कालकोठरी में डाल देगी। पलंग पे पड़ी साड़ी पे इस्त्री घुमाने का मतलब यही होता है मृदुला भाभी। उबिता चल जा पापा जा। अरे तुझे यहाँ पे रखू, उससे अच्छा मैं अपनी खुसक सास को ना बुला लू। सास को खुसन मत बोलिए, आपसे ही बोलने में गलती होती होगी। अबे आवे चल जा इधर से जा। तो बराबर ओ बहनो उधर से मत जा, इधर एक दरवाजा है उधर से चली जा। उधर तेरा भाई बैठा है ना वो तुझे जाने नहीं देगा, भगवान जाने क्यों, इधर से चली जा। तो बराबर मत दो बराबर। हेलो अबे भाई जान मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मृदुला सुनो। वेरी गुड मृदुला। अच्छा वेरी गुड थैंक यू। अबे क्या वेरी गुड थैंक यू, ये भैरवी को कहां से लाए थे आप? अरे भैरवी तो बेचारी बेचारी अरे अघोरी है वो अघोरी, मेरा खून पीने वाली दिमाग खाने वाली। मतलब तुमने भैरवी को? अबे नाना अबे मैंने उसे रवाना कर दिया। क्यों कहा कैसे? राम जाने। और हाँ सुनो अगर उसको वापस लेके आए ना तो मैं मायके चले जाऊंगी।
आपको लेके। परचा कहाँ रहेगी तुम्हारी मम्मी? मम्मी मेकअप कर रही थी। परचा चलो जल्दी आओ, लेके नहीं जाना चाहिए, इसे भी नहीं ले जाना चाहिए और गेंडे को भी नहीं ले जाना चाहिए। परचा पापा वो देखिए देवेंद्र अंकल। बस हम जा ही रहे हैं बाबूलाल ज्वेलर्स के यहाँ। अच्छा तो क्या प्लान बनाया है वसंत भाई? प्लान तो हमारा एकदम रमेश भाई से कहिए कि हम गहने लेकर आ रहे हैं और हमारी भैरवी को वापस लेकर जा रहे हैं। कौन सा सुपर पावर यूज करने वाले? भारत देश के सबसे बड़े सुपर पावर का इस्तेमाल करने वाले। वेरी गुड वेरी गुड। एक आता हूं। हाँ सर। हेलो सुनो देव चिनू, भैरवी यहाँ से चली गई है, अगर वो अपने घर पहुंची तो। अरे सर वो निकल गई तो निकल जाने दीजिए, ये अनाड़ी फैमिली कोई बड़ा सा सुपर पावर यूज करके गहने लूटने के लिए निकल रहे हैं। जैसे ही गहने लूट के लोग घर पे आएंगे तो हम बड़े भाई की तरह बोल देंगे कि आपके आने के पहले ही हमने भैरवी को घर भेज दिया है। अच्छा वेरी गुड थैंक यू। रमेश बात क्या है, सब ठीक है ना? All the best. Okay. All the best. Bye. Bye. हाँ ये तुम्हारी मम्मी? धीरे धीरे सारे कॉलोनी वाले बाहर आ रहे हैं। हम लोग बाबूलाल ज्वेलर जा रहे हैं ये बिल्कुल मत बता। हाँ पापा। ओ घूम घूम चक्री आ? गुड मॉर्निंग ओजा अंकल, गुड मॉर्निंग रॉनी अंकल। वो सब बाद में। क्या घोटाला किधर को चली तुम लोग की मोबा मोबा वो। अरे एक मिनट वो मैं राकेश की बीवी का नाम क्या है? सावरी। इस तक है। हाँ घोटाला किधर चली तुम लोग की सावरी? सवारी सवारी होता है झालर, सवारी का सावरी किया तूने, तुम समझा ना? ऊपर इधर। वो रॉनी अंकल हम लोग बाबूलाल ज्वेलर्स के यहाँ नहीं जा रहे हैं, हम लोग रमेश लाल ज्वेलर्स के यहाँ जा रहे हैं। क्या क्या कर रहा है बेटा तू, क्या कर रहा है तू? आप ही ने तो बोला पापा कि बाबूलाल ज्वेलर्स के यहाँ जा रहे हैं, ये इनको नहीं बताना है। क्या 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 बोला ये घोटाला, क्या बोला क्या? तुम लोग गहनों की दुकान में क्यों जा रहे हो? पानी भरने के लिए है? पानी भरने के लिए गहनों की दुकान में? क्या हुआ? वर्षा ऐसा कह रही थी कि पानी देखिए ना कितना महंगा हो गया है, कितना कीमती हो गया है, अनमोल मोतियों जैसा लिक्विड गोल्ड है ना। घोटाला क्या हंस रहा है फालतू में, ऐसा ज्वेलरी की दुकान में ऐसा बाल्टी पकड़ के खड़ा रहेगा? सुना ओजा अंकल सुनो, बॉडी बिल्डर सुना के ज्वेलरी दुकान में पानी का बोतल लेके जाएगा। कर रहा है एक्सरसाइज कर रहे उसको। क्या हुआ पापा? रोनी भैया आप लोग फिर से टीसी बनकर टिकट टिकट करने लगे घोटाला फैमिली को? अरे बात ही कुछ ऐसी है, क्योंकि इन लोगों की सवारी पक्का पक्का बिना टिकट निकली है, देखना तुम कल से अजीब तरह से पेश आ रहे हैं ये लोग। क्या हुआ वसंत भैया और शरद कहाँ है? कल से शरद भी अजीब तरीके से पेश आ रहे हैं। वो तो आएंगे ही ना मानव भैया, भैरवी दीदी बन के रहना कोई आसान काम थोड़ी ना है। क्या है कि भैरवी दीदी के घर में रहना आसान थोड़ी ना है, गेंडे ऐसा बोलते हैं। शरद भैरवी के घर पर है? कल से ऐसा थोड़ा सा वो ना ऐसा कल से थोड़ा सा काइकू गया उधर। काइकू
जाने दो ना पापा। क्या घोटाला, ये क्यों राक्षस के माफी कस रहा है इसे? और क्या क्या किसको जाने दो, क्यों जाने दो, क्या हो क्यों रहे घोटाला, मेरा सटक रहा अभी। शरद कल से भैरवी के घर पे क्यों है बोलो।